समय आसीन हो चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें पंडित ललित कुमार जी का। पंडित ललित कुमार जी बनारस घराना से ताल्लुकात रखते हैं। बनारस घराना जो कि तबले का घराना है, पंडित कंठे महाराज, पंडित राम सहाय जी, पंडित किशन महाराज ने यहाँ के घराना को विश्व पटल पर स्थापित किया। बनारस में संगीत का कार्यक्रम हो और तबला न हो तो कुछ फीका फीका सा लगता है। आज एकल तबला वादन के लिए हम लोग के समक्ष हैं पंडित ललित कुमार जी। आपके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपके प्रथम गुरु पंडित सुंदरलाल जी हैं, आपके द्वितीय गुरु रामजी मिश्र जी हैं और इसके बाद आपने पंडित किशन महाराज जी से तबले की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। ऐसे गुणी संतों के संत परंपरा से आप आते हैं और आज आपके समक्ष तबला वादन हेतु उपस्थित हैं। साथ ही उनके साथ हारमोनियम सर्वेटिका पर संगत कर रहे हैं हम लोगों के अभिभावक स्वरूप श्री अरुण अस्थाना जी। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पंडित देवानंद पाठक जी से हुई, तत्पश्चात पंडित चंद्रलाल जी से पूरा भक्त की गायकी का प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MUS की शिक्षा प्राप्त की और देश और विदेश के तमाम मंचों पर आपने अपने सांगीतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। ऐसे दोनों गुणी कलाकार हम लोग के बीच में इस समय मंच पर आसीन हो चुके हैं और हमारा केंद्रीय नेतृत्व आपके समक्ष है। मैं पुनः चाहता हूं कि सभागार को पूरे कर्तव्य ध्वनि से हम लोग गुंजरित करते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैं क्षमा चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं कृपया वो लोग साइलेंट मोड पे अपने मोबाइल को रखें, क्योंकि बहुत ही छोटा हॉल है और जरा सी भी बातचीत सेविंग तो होता ही है। तो ये मेरा अनुरोध है, कृपया आप लोग इसको जरा। धन्यवाद सौरभ जी, आपने इतना अच्छा परिचय कराया और हम सही में बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज अपने आप को बड़ा अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत आता नहीं बोलना, तबला ही बजाऊंगा जितना बोल पाऊंगा वहाँ पर। लेकिन आप जैसे कोडीजनों के सामने बजाने के लिए, मैं अभी इनसे जस्ट 5-7 मिनट पहले बोला, पसीना आ रहा है मुझे अभी। तो ठीक है, बहुत बजाया हूँ लेकिन मैं एक इतने बड़े विद्वान विद्वत जनों के सामने बजाना एक अपने आप में बहुत गरिमा हुई। कितना प्रस्तुत कर पाऊंगा मेरे लिए तो गरिमा है, वो प्रस्तुति कितनी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन आशीर्वाद दें आप लोग कुछ बजा पाऊँ। भाई जो कुछ कर पाऊंगा वो गुरुओं की देन होगी मेरे। मेरे पिता पंडित सुंदरलाल जी पंडित अरोखेलाल जी के शागिर्द रहे और अंत तक उन्होंने उनका साथ दिया, और जो दुनिया में पिता नाम जाने गए नाधी निंदा और क्रिकेट के जानकार, क्रिकेट के जादूगर इनको कहा जाता है। बाद में मैंने उनके बेटे से अंडा बंधवाया पंडित रामजी मिश्र जी से, जो कि हमारे प्रथम गुरु पिता हैं। बाद में मैं पंडित किशन महाराज जी के पास गया, उन्होंने बहुत स्नेह से मुझे आशीर्वाद दिया है और बहुत कुछ मिला उनसे मुझे। मैं उन सबको याद करते हुए, आप सबको चरण वंदन करते हुए मैं अपना कार्यक्रम 3 ताली बजाऊंगा, क्योंकि बनारस 3 ताली बजाते हैं, थोड़ा देर के लिए 3 ताल बजाएंगे और उसके बाद पंडित उदय महाराज जी के आप प्रपोत्र हैं? नहीं, मैं उनका प्रपोत्र नहीं हूं। मैं अपने पिताजी पंडित सुंदरलाल जी, उस घर से पंडित अनोखेलाल जी का घर जुड़ा हुआ है और ये रामापुरा और कबीरचोरा दोनों अलग हो गया, तो बाद में मैं एक जगह हो गया पंडित किशन महाराज जी के पास जा करके, तो दोनों एक हो गया, क्योंकि रामापुरा ये रामजी पंडित मिश्र जी का घर और उधर कबीरचोरा, तो हम लोग सब एक हो गए, तो घर ही एक है मेरा और हम लोग एक घर के हैं, अब उन्हीं के बच्चे हैं।
और वो लोग आशीर्वाद दे ही रहे होंगे जहां भी होंगे, और आप सबसे भी आशीर्वाद चाहता हूं मैं थोड़ा सा। अरुण जी को मैंने कल कहा और ये तैयार हो गए, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इनके भी, क्योंकि सौरभ जी से मेरी बात हुई थी 3-4 दिन पहले हुई हम लोग की बात, लेकिन अरुण जी ने तो मैं कल बताया अरे चलेंगे ललित जी, हमने कहा बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत आनंद आएगा और सब आप हम लोग धन्यवाद, आप मुझे संभाल लीजिएगा सारथी, आज यही है मेरे ये सारथी हमारे। तो खैर मैं एक वंदना करता हूँ जो मेरे गुरु जी पंडित किशन महाराज जी लास्ट में बजाते थे, लेकिन मैं पहले ही करूंगा क्योंकि गणेश वंदना पहले मेरा मन है बजाने का, मैं बोलूंगा बजाऊंगा बाद में, उसको मैं पढ़ देता हूँ, बनाया तो कुछ और चीज भी हूं मैं। गणा नाम गणपति गणेश, उनका बहुत पसंदीदा चीज है। गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे, भुजा चार एक दंत चंद्रमा ललाट राजी, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल गए ध्रुव पद गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, ढत थड़ात धर धर कधान दिन 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 नागे 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 धन धन तीन तीन तदिगन द्रिग द्रिग दिन दिन दीना के ताक कृतक धड़ान तड़ान धाक धड़ान तड़ान धाक धड़ान तड़ान धाक। इसका मतलब भी हमारे गुरुजी ने सिखाया है, वो मैं बजाऊंगा तो उसको कर दूंगा, लेकिन शुरू में इसको बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको शुरू में बोला। मैं बनारस की 15 मिनट चीजें बताऊंगा, उसके बाद फिर वो थोड़ा लाइट वाइट जो भी लगेगा अच्छा मैं बजा। सम तो ब्रह्म है, ब्रह्म को पकड़ के रखना है मुझे, सम मेरा ब्रह्म है, उसी को पकड़ के रखा हूं, कहीं से उठूंगा कुछ ना कुछ तो आऊंगा, वो उसी पे जाके गिरना है भगवान के पास। सम
बनारस की उपज जितना हो कर सकूंगा करता हूँ, वो दो तीन बना दिया। अब एक खास चीज है यहाँ का, वो बजाता हूँ मैं, उसको बांट कहते हैं। आपने गुदई महाराज जी का नाम लिया, मैं उनकी चीज ही बजाता हूँ। मैं कुछ सोच के नहीं आया हूँ, लेकिन मैं बजाऊंगा उन्हीं की चीज। ये मैं इसलिए लेके आया था कि इसमें मैंने एक चीज देखा है, हमारे आराध्य मेरे पिताजी बहुत ज्यादा संकट मोचन जाते थे हनुमान जी के ऊपर, मैंने लिखा है वो मैं सुना दूंगा, लेकिन पहले ये पंडित गुदई महाराज जी को याद कर लो। Thank you.
कहाँ बसता है बनारस में, बजा सकते हैं? ये बसता है भैया जब बाबा के जब गौनाथ को लेके आते हैं तो वो डमरू, जब डमरू बजता है ना, तबले से मैंने दिया तिरकड़ तक था, वो
अतुलित बल का प्रयोग किया इसमें मैंने। अंजनी के लाल हो पवन सुत धिट खड़ान, सीता के खोज करत वाजिद विलांग ने, लक्ष्मण के प्राण दाता जय 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 बजरंग। वही लक्ष्मण जी को बचाए सभी जानते हैं, ले आकर के सिर्फ राम जी के ताकत से सारी चीजों को कर लिया उन्होंने। राम को भी सुना दूंगा, मैं सीताराम भी सुना दूंगा। अंजनी के लाल हो पवन सुत प्रधान, सीता के खोज है तो बारिद भी लांग गए, लक्ष्मण के प्राणदाता जय 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 बजरंग। जय 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 बजरंग धा, जय 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 बजरंग धा, जय जय जय। ये पूरा बोल उसी तरीके से निकलता है, चाहूंगा तो निकाल के कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं दूसरी जगह पे हूँ। खास और बात फिर के
पियो। जब ये चल रहा था ये चीज तो देखिएगा इसमें घोड़े की चीज ये क्या है कि लय की मार है सब
लय अगर हटा तो प्रलय गया ही है, थोड़ी देर में लय तो हटा तो प्रलय गया, क्योंकि ये बोल देखिए मेरी गलती से गलत माइक की गलती नहीं, ये खाली से उठेगा, मैं सम से उठ के आ रहा तो आएगा कहां से।
हम लोग तो भगवान लोग हैं, हमसे क्षमा चाहते हैं, पूरा एकदम तहे दिल से क्षमा चाहते हैं, अगर गलती हो जाए तो मैं और आशीर्वाद करें बस आपके। यूँ तो हंसी नज़ारे इस ज़माने में और भी हैं, यूँ तो हंसी नज़ारे इस ज़माने में और भी हैं, जो आपको देख चुका हो वो और क्या देखे। ज़ोरदार तालियां ऐसे ज़बरदस्त कलाकार के लिए जिन्होंने आज, कभी तो सोच रहा था इनकी उंगलियों को देखूं, कि इनके मुखमंडल को देखूं, कि इनके तबले को देखूं, कि कान से सुनूं, और मुझे लगता है सारी हमारी और हम लोग आइए जयघोष करते नमः पार्वती पते हर हर। जैसे मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था सर कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे लगा संकट मोचन संगीत समारोह में बैठा हूँ, अब मुझे नहीं पता, ऐसा मुझे ही महसूस हो रहा था सभी को। लेकिन बहुत ही शानदार प्रस्तुति, और अभी हम लोग के बीच में थे पंडित कुमार जी, लेकिन मैं उनसे पुनः आग्रह करूंगा।